हेलो यूज़र्स, जैसा कि आपने पहले जो फर्स्ट वाला वीडियो है वो है प्री फॉर्म एंट्री का। अभी हम आज दिखाएंगे आपको कि मेन फॉर्म एंट्री कैसे करना है। जो भी पैन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पहले प्री फॉर्म एंट्री करना है, उसके बाद उसका मेन फॉर्म एंट्री करना है। फिर थर्ड स्टेप होता है उसका अपलोड डॉक्यूमेंट, फोर्थ होता है उसका जनरेट बैच। तो फर्स्ट स्टेप था प्री फॉर्म एंट्री, उसका ऑलरेडी वीडियो बना है। और तो दूसरा है मेन फॉर्म एंट्री, मेन फॉर्म एंट्री पर क्लिक करना है। मेन फॉर्म एंट्री जैसे कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने ये एप्लीकेशंस भरे हुए हैं, ठीक है। तो मेन फॉर्म एंट्री में किसी भी एप्लीकेशन का हम एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद वो कुछ ऐसा खुलेगा। आधार मैच यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल्स को ओके करना है। तो इसमें आपको फर्स्ट कॉलम नंबर भरना है, ऊपर ये छोड़ देना है। फर्स्ट इसमें लिखा होगा 1 2 3 करके, 1 2 भी भरना है, 3 भी भरना है, 4 सारा, 5 6 और उसके बाद मदर वाला वेकेंट रखना है, 7 एड्रेस केयरफुली भरना है, और उसके बाद हो गया 9 भी केयरफुली भरना है, 12 ये भी भरना है, और कॉलम नंबर 14, कॉलम नंबर 14 जो भी माइनर एप्लीकेंट है उसका, उसके फादर का जो डॉक्यूमेंट लगाया होगा चाहे आधार लगाया होगा उसको कंपलसरी यहाँ पे भरना है। किस में? 14 में, जो भी कोई माइनर एप्लीकेंट हो। ये भरने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। नीचे 16 कंपलसरी है, ठीक है। मतलब इसमें आपने सीधे याद रखना है, मेन फॉर्म एंट्री में जो ही आप पहुँचेंगे तो आपने सबसे पहले ऊपर वाला ये छोड़ देना है फर्स्ट। तो उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे भरना है, ये चेक करना है दोबारा से नाम शेम सारा। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड भी भरना है, थर्ड भी, फोर्थ, फिफ्थ में ऑलरेडी डिटेल होगा, ये सब चीज़ें आपने क्रॉस चेक करना है। 7 में एड्रेस ज़रूर भरना है। उसके बाद 8 अच्छे से क्रॉस चेक करना है, 9 भी क्रॉस चेक करना है। उसके बाद और अगर कोई डिटेल मिसिंग हो वो भी भर देनी है, 12 ठीक है, 12 ये भी क्रॉस चेक करना है अच्छे से, और 13 भी, इसमें नो इनकम मतलब कोई भी ये चीज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद 14 कंपलसरी है माइनर एप्लीकेंट्स के लिए जो 18 साल से नीचे हों, उनके पापा का डिटेल यहाँ पे डाल देना है, रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस, उनके पापा का पे की जो KYC होगी उस पर जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पे डालना है। 15th और 16th भी कंपलसरी है, इसमें मतलब कौन सा नाम, किसने नाम वेरीफाई किया होगा, प्लेस, ये सारा कुछ, और सिलेक्शन कैपेसिटी, फिर नीचे से सबमिट कर देना है। तो अब जाएंगे हम मेम फॉर्म एंट्री के बाद हमारे पास आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि बहुत हमारे ऑपरेटर्स ने ये फॉर्म भरे हुए हैं, इसमें हर एक कैंडिडेट का मतलब मेन फॉर्म एंट्री के बाद जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाती है। तो वहाँ पे आपने क्या काम करना है, देखो डॉक्यूमेंट्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो दिया है कि कैसे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। पैन एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, पैन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रंट पेज एंड बैक साइड एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, POI मीन्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, PO मीन्स प्रूफ ऑफ एड्रेस, DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, टू बी स्कैंड इन 200 DPI कलर में होना चाहिए, PDF A फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। आई लव PDF में जाओ गूगल पे, वहाँ से इसको PDF को PDF A में कन्वर्ट करके, और उसके बाद इसका जो फॉर्मेट हो और जो उस फॉर्मेट में बनाना है PDF A फॉर्मेट में, जो साइज़ होगा मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, अप टू 2 MB, इससे लेस होना चाहिए ताकि आप इजीली अपलोड कर पाएँ। ये हो गया फॉर्म। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी जो आपको मिलेगी जब आप मेन फॉर्म जब आप प्री फॉर्म एंट्री करेंगे तो तब आपको एप्लीकेशन मतलब जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी वो मिलेगी, जिसमें बुरा लगा होगा कि फ़ीस कितनी लगी है, वो उसका एक PDF, और उसके बाद वो फर्स्ट पेज आना चाहिए, उसके बाद पैन एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड पेज आना चाहिए, मतलब सेकंड डॉक्यूमेंट आना चाहिए, थर्ड डॉक्यूमेंट आना चाहिए जो प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट लगाया होगा वो डॉक्यूमेंट आना चाहिए लास्ट पे। तो ये एक कंबाइन PDF बनाना है PDF A फॉर्मेट में, जो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, वो होगा पैन एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट आ गया फ़ोटो, फ़ोटो को स्कैन करना है, ठीक है। फ़ोटो को स्कैन करने के बाद या फिर फॉर्म से ही आप उठा सकते हैं,
तो वहाँ से एडोब फोटोशॉप में जाके उसको 300 DPI का बनाना है, ठीक है। कलर में होना चाहिए फ़ोटो 213 बाई 213 पिक्सल होना चाहिए। साइज़ जो है फ़ोटो का वो ओवरऑल होना चाहिए 300 KB से कम, 30 KB से कम। ये फ़ोटो के लिए स्पेसिफिकेशन है। फिर नेक्स्ट है सिग्नेचर और स्कैनिंग, ठीक है। सिग्नेचर के लिए आपने जो सिग्नेचर आप उठाएंगे फॉर्म से वो हमेशा होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट में, ये आपने हमेशा ख्याल रखना है। और जो सिग्नेचर की जो क्वालिटी होगी वो 600 DPI होनी चाहिए, ठीक है। और जो ओवरऑल साइज़ होगा सिग्नेचर का, जो इमेज का ओवरऑल साइज़ होगा वो होना चाहिए 60 KB से लेस, ठीक है। ये आपने मेन फॉर्म मतलब जो भी जो जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किया है वहाँ पे आपने ये ज़रूर करना है। जैसे हमने एक पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाता है पेन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो फाइल से ये पिक कर लेगा पेन एप्लीकेशन फॉर्म, नेक्स्ट आएगा पिक्चर और नेक्स्ट आएगा सिग्नेचर। ये आ गया स्टेप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड का। फिर लास्ट पे जो आता है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो फिर आपने कहाँ पे जाना है, जनरेट बैच, यहाँ पे जनरेट बैच पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी जो भी एप्लीकेशंस फॉर्म हुए हैं, क्योंकि जिनके डॉक्यूमेंट अपलोड पेंडिंग हैं, तो डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाते हैं फिर यहाँ पे ये शो होना हो जाते हैं। तो उसका उसके बाद उनको सेलेक्ट करना है, कंबाइन एक बैच जनरेट कर देना है, ठीक है। जिस दिन भी जिस डे भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस डे सेम शाम को आपने ये बैच जनरेट करना है। ये था जो नया पेन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये था उसके रिगार्डिंग। इसी तरह से अगर हमने कोई करेक्शन का फॉर्म भरना हो, सबसे पहले आपने जाना है CSF, जो CSF सर्विसेज है, ऐसे खुलेगा CSF पेन फॉर्म। तो इसमें आपने यहाँ पे ऊपर सबसे पहले पैन नंबर डालना है, ठीक है। पैन नंबर डालने के बाद आपके पास आपने सेलेक्ट करना है बोथ फिज़िकल पेन एंड ई पेन। आप ई पेन पे क्लिक कर रहे हैं, ई पेन पे क्लिक करना है। फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा चीज़ें भरना है। अगर उसमें नाम में गलत हो या कुछ और हो तो फिर यहाँ पे ये जो वेरीफाई ITD फुल नेम ऐसे डिटेल्स ऐसे होगी, इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद वो वेरीफाई कर देना है फिर। और जो आप नाम प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है नेम एज़ यू वुड लाइक इट टू बी प्रिंटेड ऑन द पेन पैन कार्ड, वो वाला नेम यहाँ पे डालना है जो आप चाहते हैं नए वाला। अगर फादर का नाम गलत है फिर यहाँ पे जो नया करेक्ट नेम है फादर का वो डाल के फिर यहाँ से आपने वेरीफाई करना है, तो वहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह से मदर नेम अगर सिंगल पेरेंट हो तो। उसके बाद थर्ड वाला है डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ किसी का गलत है, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ से फिर आपने और जेंडर भी सेलेक्ट करिए, फिर वहाँ से फिर से नीचे वेरीफाई ITD जेंडर डिटेल, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा। जो भी चीज़ आपको गलत होगी वो यहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे फादर नेम ये सेलेक्ट करने हैं ज़रूर। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको ये उसी हिसाब से फिर ये होगा। अगर ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेम रखेंगे, तो सेम एप्लीकेशन सेम पेन बन के आएगा। तो नेक्स्ट आपका फ़ोटो, अगर फ़ोटो मिसमैच होता है तो फ़ोटो का ऐसे सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर पहले का फ़ोटो गलत है या दूसरा फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो डालिए। तो अगर नहीं तो फिर ऐसे सिंपल में आप डाल सकते हैं। सिग्नेचर मिसमैच, अगर पहले सिग्नेचर में कोई गलत हो वो भी, अगर एड्रेस कम्युनिकेशन चेंज करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद। तो उसके बाद से दूसरा है अपडेट एड्रेस, अगर अपडेट करना चाहते हैं फिर आपने 8वें कॉलम पे ये डाल के तो नया एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका टेलीफोन नंबर, फिर यहाँ से टेलीफोन नंबर वगैरह, आधार डिटेल्स जो भी अलॉटेड है वो यहाँ पे भरिए आप, ठीक है। मैं इनको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया मेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका पैन पैन है वो आपने 11 में कॉल नंबर 11 में आपने मेंशन करना है। प्रीवियस पैन जो है मतलब जिसको आप करेक्ट करना चाहते हैं वो पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है, नीचे से ये भरना है एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या है, मतलब कितने हैं आपके पास, मतलब कितने डॉक्यूमेंट, मतलब जो सपोर्ट मतलब जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो देखना है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
उसके बाद प्लेस वगैरह, आधार आइडेंटिटी एज ए प्रूफ, आधार हो या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लगाया होगा, जो भी एड्रेस प्रूफ लगाया होगा वो, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा एड्रेस प्रूफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो लगाएंगे आप वो, उसके बाद पैन प्रूफ, पैन का क्या प्रूफ है, मतलब अगर किसी का पैन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पैन का प्रूफ, अगर आपके पास पैन मतलब गुम हो गया है, अगर आपका पैन मिसिंग है, तो उसमें आपको कॉपी ऑफ FIR लगेगी, ठीक है। अगर आपका मतलब पैन का करेक्शन है, सिर्फ करेक्शन है, तो फिर आपका कॉपी ऑफ पैन पैन लगेगा, ठीक है, पैन कार्ड का कॉपी लगेगा। तो उसके बाद पैन अलाटमेंट लेटर वो भी लगता है, वो मतलब नेक्स्ट लग जाता है अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हो। तो फिर तीसरा आ गया, यहाँ पे आपने नॉर्मल पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो हम आपका कूपन कटेगा, कूपन कटने के बाद फिर आपने मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है सिर्फ अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब सीधे पहले आपने वेरीफाई करना है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, हर एक डिटेल फिल करने के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई आईटीडी आईटीडी डिटेल्स, उसमें क्लिक करके करना। फिर अभी हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, फिल नहीं हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे सेम स्पेसिफिकेशन जो फॉर्म 49A पे में हमने समझाई हुई है अभी कुछ टाइम पहले, तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ें स्पेसिफिकेशंस आएंगी, तो नेक्स्ट आएगा इसमें भी जनरेट बैच। जब तक आपना CSF यहाँ पे आता है, जनरेट CSF बैच, CSF बैच, जब तक ना आप बैच जनरेट करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसका पूरा डिटेल भरने के बाद, नेक्स्ट स्टेप उसका कंप्लीट करने के बाद, लास्ट पे आपने बैच जनरेट ज़रूर करना है। तो ये था आपका पैन का टोटल प्रोसेस, कैसे आपने पैन एप्लीकेशंस भरनी है, कैसे आपने करेक्शन का भरना है, और कैसे आपने प्री फॉर्म और मेन फॉर्म एंट्री का भरना है। तो अभी मैं रखता हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आए फॉल्स की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो आपके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे डायरेक्ट, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना असिस्टेंस ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।